कंट्री साइड न्यूज की टीम रांची में मौजूद है और कार्यक्रम करते करते मेरी मुलाकात हुई शिवनाथ यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, जो झारखंड इकाई के महासचिव हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं रांची में राजद का क्या हाल चाल है, और इस हाल चाल को जानने के दरमियान लालू जी रांची के जेल में उपस्थित है। इनसे जानना चाहते हैं कि लालू जी की हालचाल कैसी है और पार्टी की हालचाल कैसी है, बताइए। पार्टी का हाल चाल बहुत अच्छा है जी और लालू जी का भी स्वास्थ्य तंत्र दब चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी बहुत भयंकर रूप से उभर रहा है झारखंड में और राजद, और इस बार विधानसभा में बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा, वो बीजेपी को समझ में आ जाएगा। अभी रघुवर दास के बारे में कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, कोई विकास पुरुष नहीं, बोलते कुछ और करते कुछ है। आपकी पार्टी की अन्नपूर्णा जाधव विधायक आपकी पार्टी को छोड़कर चली गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? चल गई, उनका जाने का इच्छा था, चल गई लोकसभा में बीजेपी में बदल के। नहीं, क्या लालू प्रसाद यादव जी के जो परिवार में सत्ता संघर्ष है, इसके कारण अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी छोड़ दिया? ऐसा कोई बात नहीं, लालू यादव के परिवार में वैसा कोई झंझट नहीं है। झारखंड सरकार लालू जी को क्या वहां दिक्कत दे रही है? हाँ, दिक्कत दे रही है, शनिवार में खाली 3 आदमी को मिलने देता है और बाकी मिलने नहीं देता है कभी। सत्ता हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की कैसी व्यवस्था है वहां? आप लोग तो जाते हैं, कार्यकर्ता हैं, हमेशा मिलने का प्रयास हॉस्पिटल का करते हैं। व्यवस्था मिला जुला ठीक है, लेकिन मिलने नहीं देते हैं, 3 ही आदमी मिलने देते हैं खाली शनिवार को। लालू जी तो सजा सप्ताह कैदी हैं, तो उनको तो जेल मैनुअल के अनुसार 3 ही व्यक्ति को ना मिलने दिया जाएगा, इस पर आप लोगों का क्यों विरोध है? उतना बड़ा क्रिमिनल थे कि मतलब कि 3 ही आदमी मिलेगा उनसे, ये कोई लिखा है कहीं को किताब में? लालू जी के तो कार्यकर्ता और बिहार के लोग तो चाहते हैं कि लालू जी जेल से बाहर आ जाए, आपके कार्यकर्ता वहां क्या वो चाहते कुछ हैं? नहीं, मोटा मोटी बीजेपी का चाल है, गरीब को आवाज को बंद कर दिए लालू यादव कि बंद रहेगा तो हमारा खेला बेला सब ठीक रहेगा, इसीलिए लालू यादव को बंद करके पिंजरा रखे हुए अस्पताल में और मात्र 3 आदमी को मिलने देते हैं शनिचर में। इस बार आपकी पार्टी के क्या है, शिबू सोरेन के पार्टी से कठोर के चुनाव वो लड़ेंगे? तो हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे अपना, कांग्रेस कांग्रेस के साथ क्या रुख होगा आपका? के साथ वही बताएंगे कि कैसे क्या रुख होगा। सो प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर जैसा निर्णय करेंगे उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का वहां पे लगातार विरोध हो रहा है, पार्टी में भी विरोध हो रहा है, इस पर क्या करना चाहेंगे आप? प्रदेश अध्यक्ष का कहाँ विरोध हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा प्रदेश अध्यक्ष है। ये प्रदेश अध्यक्ष है कि पूरा युवा को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, राजद को फिर नया रोशनी दिखाने के झारखंड में काम कर रहे हैं। और जो पहले प्रदेश अध्यक्ष है उनको तो लालू जी साफ कर दिए, हटा दिए, और साफ कर दिए तो एक पार्टी बना लिया अपना, और हमारा राजद को ब्लैकमेल कर रहा है, राजद लोकतांत्रिक लिखता है, समझे ना, और राजद का नाम का गुमराह कर रहा है पूरे झारखंड में, हमारा नाम को बेच रहा है। वो पार्टी में जो मीटिंग जहां जहां कर रहा है, जहां बुलाता है राजद करके बुलाता है, और जब वहां हमारा आदमी सब आता है तो देखता है लोकतांत्रिक तो सब भाग भाग जाता है। और राणा जी से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, राणा जी को तो लालू जी तो कचड़ा को साफ कर दिए, वो कचड़ा ने वो पार्टी बना लिया, समझे ना, वही कचड़ा ने वो पार्टी बना लिया जिन कचड़ा को साफ कर दिया। तो राष्ट्रीय जनता दल जो हमारा लालटेन छाप है, लालू कूट है, वो प्योर मिनरल वाटर बन गया झारखंड में। अब राणा जी का जो बात रह गया, राणा जी कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया के बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बात करते हैं, और भीम बाबा भीमराव अम्बेडकर के बात करते हैं, और बस 5 मिनट का। जयप्रकाश नारायण के बात करते हैं, तो उनका विचारधारा पर तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चलते हैं, वो एक भी विचारधारा पर निर्वहन करने का काम किए कभी? हाँ, और झूठ मूठ में राजद को गुमराह कर रहे पूरे झारखंड में, एक भी मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का एक भी जो विचारधारा उनको वो अपने थी न, खाली ठकने का काम और झारखंड को गुमराह करने का काम, राजद को गुमराह करने का काम, और जाके बीजेपी का बी पार्टी बन गए हैं वो, और बीजेपी के गोद में जाके समा गए हैं कि राजद को बर्बाद करो झारखंड से। वो अभी विधानसभा में पता चलेगा कि के बर्बाद होगा और नहीं होगा। सो बहुत अच्छा अच्छा किए लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम इसके लिए बधाई देते हैं कि सारे कचड़ा को जो साफ करके फ्रेश बनाए पार्टी को। हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा, और कोडरमा सीट या पूरा कहीं भी जितना सीट हम लोग को जो मिलेगा हम लोग सब जीतेंगे। शिवनाथ यादव ने कहा झारखंड में राजद के प्रदेश महासचिव है गौतम सागर राणा कचड़ा थे, कचड़ा ही रहेंगे, बीजेपी के बी टीम बन गए हैं, इनको पार्टी से निकाल कर लालू यादव ने बहुत बड़ा काम किया, अभय सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे जाएगी, अभय सिंह युवाओं को बहुत मदद करते हैं, ऐसी नेतृत्व की राजद वहां झारखंड में जरूरत थी। कैमरामैन संजय के साथ कौशलेंद्र पराशर।